प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम इंटरनेशनल। तो शुरुआत करते हैं दुनिया भर की ताजा खबरों के साथ। चीन ने नेपाल सरकार में बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। हालांकि नेपाल सरकार ने पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार से सबक नहीं सीखी। बता दें कि चीन की लोन डिप्लोमेसी में फंस कर कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। चीन इस परियोजना के तहत भारत को पड़ोसी देशों के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। साथ ही पीएम शहबाज ने अपने भाई नवाज शरीफ के साथ हाई प्रोफाइल बैठक का भी आयोजन किया। पंजाब में बनी गठबंधन सरकार को हटाकर नई सरकार के गठन और पाकिस्तान के लिए आर्मी चीफ को लेकर बैठक की गई। ईरानी नागरिक महसा अमीनी के पुलिस कस्टडी में मौत का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि महसा अमीनी के समर्थन में ईरान की महिलाओं ने अपने बाल काटकर विरोध जताया, जिसका वीडियो ईरानी पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया। ईरानी महिलाओं ने कहा कि हम अपने बालों को नहीं ढकते हैं तो स्कूल या नौकरी नहीं कर पाएंगे। इस रंगभेद व्यवस्था को महिलाओं ने विरोध जताया। तेहरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने महसा अमीनी की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बताया कि विनाशकारी बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान कर्ज चुकाने में सक्षम है। बता दें कि बाढ़ के चलते करीब 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए, वहीं अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत बाढ़ के चलते हुई। उन्होंने बताया कि IMF से फंडिंग के बावजूद केंद्रीय बैंक भंडार 8.6 बिलियन डॉलर है, वहीं बाढ़ के चलते खाता घाटा 2 अरब डॉलर से अधिक नहीं होगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आज लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं इसमें करीब 2000 से ज्यादा मेहनत शामिल होने की संभावना जताई गई। बता दें कि अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे भारतीय समय अनुसार लगभग 4 बजे संपन्न किया जाएगा। महारानी के लंबे जीवन को याद करते हुए 96 मिनट घंटी बजाई जाएगी और 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक साक्षात्कार में बताया कि अमेरिकी सेना चीनी आक्रमण की स्थिति में ताइवान की हर संभव मदद करेगी। वहीं 60 मिनट के साक्षात्कार में बाइडन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करती है, वन चाइना नीति के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही बताया कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ताइवान को देश के तौर पर मान्यता नहीं प्रदान की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और महावाणिज्य दूत ने एस जयशंकर को आगवानी की। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शांति स्थापना जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जयशंकर द्विपक्षीय बहुपक्षीय बैठकों सहित 50 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जापान में चक्रवाती तूफान नानामाडोल ने दस्तक दे दी है। वहीं शक्तिशाली तूफान में एक की मौत और कई लापता चल रहे हैं। जापान सरकार ने भूस्खलन, उफनती नदियों को लेकर चेतावनी जारी की, जिसके चलते एयरलाइंस, बुलेट ट्रेन, राजमार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटे और 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलाने की जानकारी दी। साथ ही संवेदनशील इलाकों के हजारों लोग शेल्टर होम में रात बिताने को मजबूर हैं। बांग्लादेश के युद्ध मामले के मंत्री AKM मुजमिल हक ने 1971 के नरसंहार को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 5 वर्षों के बाद भी 1971 के नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल सकती। उनकी मांग है कि 9 दिसंबर के अलावा 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान सैनिकों ने स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर 30 लाख लोगों की हत्या कर करीब 2 लाख महिलाओं के साथ अत्याचार, घरों में आग, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। अफगानिस्तान के तखर प्रांत के ख्वाजा बहुद्दीन जिले में स्थानीय लोगों और पाकिस्तानी शरणार्थियों के बीच भूमि को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है।
बता दें कि स्थानीय निवासियों ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर मारपीट करने जबरन घर में घुसकर आरोप लगाया। वहीं तखर प्रांत के अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने को लेकर प्रयास किया। आज के लिए प्राइम इंटरनेशनल में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस